आपका भाई का गाना हो गया रेडी एंड आप लोग सुन सकते हो थोड़ा बहुत, पूरा गाना सुनना है तो अभी पहुंच गए और फटाफट से चलते स्टूडियो में और फिर गाने का जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो गाइज आप सब लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, ये रहा अपना गैरेज कुछ ऐसा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं एक नया काम के लिए। सो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी के लिए एक सरप्राइजिंग है, सो आप लोग गेस करना कि क्या कुछ सरप्राइज है। बाद बाकी हम लोग निकलते अब यहाँ से, यहीं पे रोड के साइड में ही अपना गैरेज, तो रास्ते में बातचीत करते चलेंगे। ओ भाई साहब, तो रास्ते में बातचीत करते चलेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलते। चेक दिस आउट, वी आर ऑन द वे फॉर स्टूडियो। सो अभी मैं आप लोगों को सरप्राइज ख़त्म कर देता हूँ। मैं जा रहा हूँ स्टूडियो में जो कि आपका भाई एक गाना लेकर आ रहा है सरस्वती पूजा का, सो उसी का रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं अभी, क्योंकि स्टूडियो जिसका है वो भैया ने कॉल किया था कि आपका ट्रैक जो है वो रेडी हो चुका है, आप आकर के गाना अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो उसी सॉन्ग का रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं और आगे जो कुछ भी होगा, कैसे कैसे हम लोग सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं और क्या कुछ होता है, वो सारे के सारे चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि सॉन्ग का वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँ, बट देखते हैं वहाँ का सिचुएशन क्या कुछ हमारा बातचीत रहता है। अगर बातचीत अच्छा से हो गया तो फिर हम डायरेक्ट वीडियो ही रिलीज करेंगे, वरना देखेंगे ऑडियो रिलीज करने का। फिलहाल तो स्टूडियो में पहुँचना पड़ेगा क्योंकि टाइम मेरे को 10 बजे का दिया था और अभी 11:30 के करीब हो गया है, तो वो भी दिक्कत ही हो गई है, बट देखते हैं जा कर के और मिलते हैं। वैसे मैं कल भी गया था बट कल का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी बरखर ही हमारा 1K फैमिली जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पे। तो आप लोगों को पहले तो 1K की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, एंड इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि आपका भाई और भी आगे जा कर के और भी अच्छा अच्छा चीज़ दिखा सके। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपने रास्ते की तरफ और मिलते हैं स्टूडियो में, देखते हैं क्या बातचीत होती है हमारी। उसके बाद आप लोग तो जान ही जाओगे कि गाना कब आएगा, कैसा रिकॉर्डिंग होता है। वैसे तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट सॉन्ग रिलीज करने जा रहा हूँ, सो देखते हैं कैसा मेरा साउंड है, कैसा अगर गाना का साउंड मतलब गाना में साउंड मेरा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्या कुछ कमी कमजोरियाँ हैं वो चीज़ देखेंगे। और आप लोगों को मतलब ये सॉन्ग मेरा सॉन्ग का आवाज़ है वो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बता देना कि हाँ भाई क्या कुछ सुधार करना पड़ेगा मेरे आवाज़ में, वो आप लोग कमेंट कर देना, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि आपका ये कमेंट मुझे कितना आगे तक लेकर जाएगा। सो कमेंट करते रहना गाइस, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी आपका भाई का थोड़ा बहुत लेवल ऊपर चला जाता है, तो इसलिए एक कमेंट कर देना प्यारा सा। तो बढ़ते आगे, फिलहाल वाइट वाले घर दिख रहा है वहाँ पे, उसी में स्टूडियो है, इसी में हम लोग अपना गाना शूटिंग करने वाले हैं। फिलहाल ये रास्ते ऐसा है कि कोई ना कोई यहाँ पे रील वगैरह या फिर फोटो वगैरह शूट करता ही रहता है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो फिलहाल ये इसे चेक कर सकते हो, ये हमारा स्टूडियो मैनेजर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो में, पीछे आप लोग चेकआउट कर सकते हो स्टूडियो। और स्टूडियो की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, नया नया फैक्ट्री ओपन हुआ है तो उसी के ठीक अपोजिट साइड में है और काफ़ी शांत जगह में स्टूडियो है। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि स्टूडियो जो होता है ऐसा, तो शांत जगह में ही रहना अच्छी बात है। तो अभी पहुँच गए और फटाफट से चलते स्टूडियो में और फिर गाने का जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चेक कर सकते हो, यही हमारा सॉन्ग जो है रिकॉर्डिंग करेगा और इसी के थ्रू हमारा गाना रिलीज होगा। तो बढ़ते आगे की तरफ और बातचीत होते रहेंगे हम लोगों के बीच में। सो फिलहाल वहाँ पे मैं अपना गाड़ी लगा दिया हूँ एंड ये स्टूडियो रहा भीतर, इसमें सॉन्ग रिकॉर्डिंग होगा। फिलहाल चेक करने रहा गाइस, ये रहा स्टूडियो कुछ ऐसा है और ये रहा वोकल रूम, क्या बोलते हैं इसे, वोकल रूम। मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि इसे क्या कहते हैं, बट वोकल रूम कहता है। और यहीं से हमारा पूरा प्रोसेस होगा रेडी और
अभी कुछ ही देर में आप लोगों को भीतर से भीतर जाकर भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ कैसा है। बट यहाँ पे ऐसे ही चेक करो आप लोग, अब गाना हमारा रिकॉर्डिंग शुरू होने वाला है, सो चेक करते रहना गाइस। भीतर हमारा माइक रेडी हो रहा है, बाहर कंप्यूटर और इसके बाहर हम लोग बैठे अपने गाने लेकर के। अभी कुछ ही देर में गाना स्टार्ट होने वाला है गाइस, तब तक चेक दिस आउट, माइक भी सेट हो रहा है अपना। सो गाइस आपका भाई का गाना हो गया रेडी एंड आप लोग सुन सकते हो थोड़ा बहुत। पूरा गाना सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही जल्द आने वाला है हमारा गाना। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सरस्वती पूजा का ये हमारा लेटेस्ट गाना आप सबके पास जा सके। एंड इससे पहले तो मैं ब्लॉग ही करता था, बट पहला गाना है जो मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत अपने आवाज में कि कैसा हमारा साउंड है वो चेक करने के लिए। सो एक गाना बनवाया है तो जल्द ही अपलोड होने वाला है, सो बने रहना और इस गाने को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, भाई को सपोर्ट करना और भाई को थोड़ा बहुत मन को संतुष्टि मिल सके तो सुनो। एंड अभी थोड़ा सा ही सुनाऊंगा क्योंकि ये गाना रिलीज होने ही वाला है, सो आप लोग कमेंट करना एंड कैसा है गाना मुझे कमेंट करके बताना और ज्यादा से ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाना। फिलहाल सुनते हैं, लेट्स गो।